नंदू हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहा है। बीबी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। औरतों वाली बीमारी? खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की? और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हंस मत। 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच अब हंस। हीरोगिरी, ये पीने में नहीं है, ये देने में। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको अंडरकवर किट्टी मूवी के बारे में बताती हूँ। अंडरकवर किट्टी या मिस मी नोस, टच मी नोस 2001 की टच फिल्म है, जो एनी एम जी सीमेट द्वारा बच्चों के उपन्यास मीमोंस पर आधारित है। फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कैरिस बेन होटेन लिए गोल्डन ग्लोब्स जीता। निर्देशक वी स्नेट बाली द्वारा लिखित वी स्नेट बाली, बी बनी बोस, तमारा बोस, एनी एम जी स्मिथ उपन्यास द्वारा निर्गमित बनी बोस अभिनीत कैरिस बेन होटेन, थ्रीरो मार्सो सेन, सारा वित्रियर, छायाकान वाल्थर बेन डेन संडे द्वारा संपादित पीटर अल्डर ली स्टेन, संगीत दिया है पीटर अमी अर्च, उत्पादन कंपनियां बास ब्रदर्स फिल्म और टीवी प्रोडक्शन एब्रो टेलीविजन द्वारा वितरित वार्नर ब्रदर्स, रिलीज करने की तिथि 6 दिसंबर 2001 नीदरलैंड, 23 दिसंबर 2011 संयुक्त राज्य अमेरिका, कार्यकारी समय 86 मिनट, देश नीदरलैंड, भाषा डच, बॉक्स ऑफिस 47,72,773। एक रात मीमोंस नाम की एक बिल्ली एक ट्रक द्वारा गिराए गए रासायनिक तरल के एक कैन पर ठोकर खाती है और इसे पीने के बाद एक मानव महिला में बदल जाती है, एक इंसान के रूप में। वह कुत्तों से डरने अन्य बिल्लियों के साथ छत पर घास काटने, चूहों को पकड़ने, गड़गड़ाहट करने और कच्ची मछली खाने जैसे अपने बिल्ली के सामान लक्षणों को बनाए रखती है। वह जल्द ही टिब्बे नाम
के एक पत्रकार से मिलती है जो किले डर्न के काल्पनिक शहर के अखबार के लिए काम करता है। डिब्बे बहुत शर्मीले हैं और इसलिए उन्हें अच्छे लेख लिखना काफ़ी कठिन लगता है। सबसे पहले डिब्बे को विश्राम नहीं होता कि वह मानव रूप में एक बिल्ली है, लेकिन मीनोस को शहर की बिल्लियों से सभी प्रकार की दिलचस्प खबरें पता होती हैं, इसलिए यह उसे परेशान नहीं करता। भोजन और आश्रय के बदले में डिब्बे ने लिखने के लिए दिलचस्प समाचार ढूंढकर विनोद को अपने पत्रकार की नौकरी में मदद करने की अनुमति दी। कैट प्रेस सर्विस और बिल्लियों द्वारा लाए जाने वाले सभी समाचारों की सहायता से टिब्बे जल्द ही सर्वश्रेष्ठ लेखकों के साथ पत्रकार बन जाता है। हालांकि एक महत्वपूर्ण लेख है जिसे टिब्बे ने लिखने की हिम्मत नहीं की, रासायनिक कारखाने के मालिक अमीर मिस्टर एलिमिट पर एक लेख। शहर के सभी सदस्य उसे एक बहुत ही सम्मानित व्यक्ति और एक वास्तविक पशु प्रेमी मानते हैं, लेकिन सभी बिल्लियां जानती हैं कि वह नहीं है जो वह दिखता है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। वेलकम टू माय YouTube चैनल। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको अंडरकवर किट्टी मूवी के बारे में बताती हूँ। अंडरकवर किट्टी या मिस मीनोस, टच मीनोस 2001 की टच फिल्म है जो एनी एमजी सीमेट द्वारा बच्चों के उपन्यास मीमोंस पर आधारित है। फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कैरिस बेन होटेन लिए गोल्डन ग्लोब्स जीता। निर्देशक वी स्नेट वाली द्वारा लिखित वी स्नेट वाली बी बनी बोस, तमारा बोस, एनी एम जी स्मिथ उपन्यास द्वारा निर्गमित बनी बोस अभिनीत कैरिस बेन होटेन, थ्रीरो मार्सो सेन, सारा वित्रियर, छायाकान वाल्थर बेन डेन संडे द्वारा संपादित पीटर अल्डर ली स्टेन, संगीत दिया है पीटर अमी अर्च, उत्पादन कंपनियां बास ब्रदर्स फिल्म और टीवी प्रोडक्शन, एब्रो
टेलीविजन द्वारा वितरित वार्नर ब्रदर्स रिलीज करने की तिथि 6 दिसंबर 2001 नीदरलैंड, 23 दिसंबर 2011 संयुक्त राज्य अमेरिका, कार्यकारी समय 86 मिनट देश नीदरलैंड, भाषा डच, बॉक्स ऑफिस 47,72,773, एक रात मी मोन्स नाम की एक बिल्ली एक ट्रक द्वारा गिराए गए रासायनिक तरल के एक कैन पर ठोकर खाती है और इसे पीने के बाद एक मानव महिला में बदल जाती है। एक इंसान के रूप में वह कुत्तों से डरने अन्य बिल्लियों के साथ छत पर घास काटने चूहों को पकड़ने गड़गड़ाहट करने और कच्ची मछली खाने जैसे अपने बिल्ली के सामान लक्षणों को बनाए रखती है। वह जल्द ही टिब्बे नाम के एक पत्रकार से मिलती है जो किले डर्न के काल्पनिक शहर के अखबार के लिए काम करता है। डिब्बे बहुत शर्मीले हैं और इसलिए उन्हें अच्छे लेख लिखना काफ़ी कठिन लगता है। सबसे पहले टिब्बे को विश्राम नहीं होता कि वह मानव रूप में एक बिल्ली है, लेकिन मीनोस को शहर की बिल्लियों से सभी प्रकार की दिलचस्प खबरें पता होती हैं, इसलिए यह उसे परेशान नहीं करता। भोजन और आश्रय के बदले में टिब्बे ने लिखने के लिए दिलचस्प समाचार ढूंढकर विनोस को अपने पत्रकार की नौकरी में मदद करने की अनुमति दी। कैट प्रेस सर्विस और बिल्लियों द्वारा लाए जाने वाले सभी समाचारों की सहायता से टिब्बे जल्द ही सर्वश्रेष्ठ लेखकों के साथ पत्रकार बन जाता है। हालांकि एक महत्वपूर्ण लेख है जिसे टिब्बे ने लिखने की हिम्मत नहीं की, रासायनिक कारखाने के मालिक अमीर मिस्टर एलिमिट पर एक लेख। शहर के सभी सदस्य उसे एक बहुत ही सम्मानित व्यक्ति और एक वास्तविक पशु प्रेमी मानते हैं, लेकिन सभी बिल्लियां जानती हैं कि वह नहीं है जो
वह दिखता है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको अंडरकवर किट्टी मूवी के बारे में बताती हूँ। अंडरकवर किट्टी या मिस मी नोस, टच मी नोस 2001 की टच फिल्म है, जो एनी एम जी सीमिट द्वारा बच्चों के उपन्यास मीमोंस पर आधारित है। फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कैरिस बेन होटेन लिए गोल्डन ग्लोब्स जीता। निर्देशक वी स्नेट वाली द्वारा लिखित वी स्नेट वाली बी बनी बोस, तमारा बोस, एनी एम जी स्मिट उपन्यास द्वारा निर्गमित बनी बोस अभिनीत कैरिस बेन होटेन थ्रीरो मार्सो सेन सारा वित्रियर छायाकान वाल्थर बेन डेन संडे द्वारा संपादित पीटर अल्डर ली स्टेन संगीत दिया है पीटर अमी अर्च उत्पादन कंपनियां बास ब्रदर्स फिल्म और टीवी प्रोडक्शन एब्रो टेलीविजन द्वारा वितरित वार्नर ब्रदर्स रिलीज करने की तिथि 6 दिसंबर 2001 नीदरलैंड 23 दिसंबर 2011 संयुक्त राज्य अमेरिका कार्यकारी समय 86 मिनट देश नीदरलैंड भाषा डच बॉक्स ऑफिस 47,72,773 एक रात मीमोंस नाम की एक बिल्ली एक ट्रक द्वारा गिराए गए रासायनिक तरल के एक कैन पर ठोकर खाती है और इसे पीने के बाद एक मानव महिला में बदल जाती है, एक इंसान के रूप में। वह कुत्तों से डरने अन्य बिल्लियों के साथ छत पर घास काटने चूहों को पकड़ने गड़गड़ाहट करने और कच्ची मछली खाने जैसे अपने बिल्ली के सामान लक्षणों को बनाए रखती है। वह जल्द ही टिब्बे नाम के एक पत्रकार से मिलती है, जो किले डर्न के काल्पनिक शहर के अखबार के लिए काम करता है। डिब्बे बहुत शर्मीले हैं और इसलिए उन्हें अच्छे लेख लिखना काफ़ी कठिन लगता है। सबसे पहले डिब्बे को विश्राम नहीं होता कि वह मानव रूप में एक बिल्ली है, लेकिन
मीनोस को शहर की बिल्लियों से सभी प्रकार की दिलचस्प खबरें पता होती हैं, इसलिए यह उसे परेशान नहीं करता। भोजन और आश्रय के बदले में टिब्बे ने लिखने के लिए दिलचस्प समाचार ढूंढकर विनोस को अपने पत्रकार की नौकरी में मदद करने की अनुमति दी। कैट प्रेस सर्विस और बिल्लियों द्वारा लाए जाने वाले सभी समाचारों की सहायता से टिब्बे जल्द ही सर्वश्रेष्ठ लेखकों के साथ पत्रकार बन जाता है। हालांकि एक महत्वपूर्ण लेख है जिसे टिब्बे ने लिखने की हिम्मत नहीं की, रासायनिक कारखाने के मालिक अमीर मिस्टर एलिमिट पर एक लेख। शहर के सभी सदस्य उसे एक बहुत ही सम्मानित व्यक्ति और एक वास्तविक पशु प्रेमी मानते हैं, लेकिन सभी बिल्लियां जानती हैं कि वह नहीं है जो वह दिखता है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको अंडरकवर किट्टी मूवी के बारे में बताती हूँ। अंडरकवर किट्टी या मिस मीनोस, टच मीनोस 2001 की टच फिल्म है जो एनी एम जी सीमिट द्वारा बच्चों के उपन्यास मीमोंस पर आधारित है। फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कैरिस बेन होटेन लिए गोल्डन ग्लोब्स जीता। निर्देशक वी स्नेट बाली द्वारा लिखित वी स्नेट बाली, बी बनी बोस, तमारा बोस, एनी एम जी स्मिथ उपन्यास द्वारा निर्गमित बनी बोस अभिनीत कैरिस बेन होटेन, थ्रीरो मार्सो सेन, सारा वित्रियर, छायाकान वाल्थर बेन डेन संडे द्वारा संपादित पीटर अल्डर ली स्टेन, संगीत दिया है पीटर अमी अर्च, उत्पादन कंपनियां बास ब्रदर्स फिल्म और टीवी प्रोडक्शन, एब्रो टेलीविजन द्वारा वितरित वार्नर ब्रदर्स, रिलीज करने की तिथि 6 दिसंबर 2001 नीदरलैंड, 23 दिसंबर 2011 संयुक्त राज्य अमेरिका, कार्यकारी समय 86 मिनट, देश नीदरलैंड, भाषा डच, बॉक्स ऑफिस 47,72,773, एक रात मीमोंस नाम की एक बिल्ली एक ट्रक द्वारा गिराए गए रासायनिक तरल के एक कैन पर
ठोकर खाती है और इसे पीने के बाद एक मानव महिला में बदल जाती है, एक इंसान के रूप में। वह कुत्तों से डरने अन्य बिल्लियों के साथ छत पर घास काटने, चूहों को पकड़ने, गड़गड़ाहट करने और कच्ची मछली खाने जैसे अपने बिल्ली के सामान लक्षणों को बनाए रखती है। वह जल्द ही टिब्बे नाम के एक पत्रकार से मिलती है जो किले डर्न के काल्पनिक शहर के अखबार के लिए काम करता है। डिब्बे बहुत शर्मीले हैं और इसलिए उन्हें अच्छे लेख लिखना काफ़ी कठिन लगता है। सबसे पहले टिब्बे को विश्राम नहीं होता कि वह मानव रूप में एक बिल्ली है, लेकिन मीनोस को शहर की बिल्लियों से सभी प्रकार की दिलचस्प खबरें पता होती हैं, इसलिए यह उसे परेशान नहीं करता। भोजन और आश्रय के बदले में टिब्बे ने लिखने के लिए दिलचस्प समाचार ढूंढकर विनोस को अपने पत्रकार की नौकरी में मदद करने की अनुमति दी। कैट प्रेस सर्विस और बिल्लियों द्वारा लाए जाने वाले सभी समाचारों की सहायता से टिब्बे जल्द ही सर्वश्रेष्ठ लेखकों के साथ पत्रकार बन जाता है। हालांकि एक महत्वपूर्ण लेख है जिसे टिब्बे ने लिखने की हिम्मत नहीं की, रासायनिक कारखाने के मालिक अमीर मिस्टर एलिमिट पर एक लेख। शहर के सभी सदस्य उसे एक बहुत ही सम्मानित व्यक्ति और एक वास्तविक पशु प्रेमी मानते हैं, लेकिन सभी बिल्लियां जानती हैं कि वह नहीं है जो वह दिखता है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू माय YouTube चैनल। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको अंडरकवर किट्टी मूवी के बारे में बताती हूँ। अंडरकवर किट्टी या मिस मीनोस, टच मीनोस 2001 की टच फिल्म है जो एनी एमजी सीमेट द्वारा बच्चों के उपन्यास मीमोंस पर आधारित है।
फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कैरिस बेन होटेन लिए गोल्डन ग्लोब्स जीता। निर्देशक वी स्नेट वाली द्वारा लिखित वी स्नेट वाली बी बनी बोस तमारा बोस एनी एम जी स्मिथ उपन्यास द्वारा निर्गमित बनी बोस अभिनीत कैरिस बेन होटेन थ्रीरो मार्सो सेन सारा वित्रियर छायाकान वाल्थर बेन डेन संडे द्वारा संपादित पीटर अल्डर ली स्टेन संगीत दिया है पीटर अमी अर्च उत्पादन कंपनियां बास ब्रदर्स फिल्म और टीवी प्रोडक्शन एब्रो टेलीविजन द्वारा वितरित वार्नर ब्रदर्स रिलीज करने की तिथि 6 दिसंबर 2001 नीदरलैंड 23 दिसंबर 2011 संयुक्त राज्य अमेरिका कार्यकारी समय 86 मिनट देश नीदरलैंड भाषा डच बॉक्स ऑफिस 47,72,773 एक रात मी मोन्स नाम की एक बिल्ली एक ट्रक द्वारा गिराए गए रासायनिक तरल के एक कैन पर ठोकर खाती है और इसे पीने के बाद एक मानव महिला में बदल जाती है। एक इंसान के रूप में वह कुत्तों से डरने अन्य बिल्लियों के साथ छत पर घास काटने चूहों को पकड़ने गड़गड़ाहट करने और कच्ची मछली खाने जैसे अपने बिल्ली के सामान लक्षणों को बनाए रखती है। वह जल्द ही टिब्बे नाम के एक पत्रकार से मिलती है जो किले डर्न के काल्पनिक शहर के अखबार के लिए काम करता है। डिब्बे बहुत शर्मीले हैं और इसलिए उन्हें अच्छे लेख लिखना काफ़ी कठिन लगता है। सबसे पहले टिब्बे को विश्राम नहीं होता कि वह मानव रूप में एक बिल्ली है, लेकिन मीनोस को शहर की बिल्लियों से सभी प्रकार की दिलचस्प खबरें पता होती हैं, इसलिए यह उसे परेशान नहीं करता। भोजन और आश्रय के बदले में टिब्बे ने लिखने के लिए दिलचस्प समाचार ढूंढकर विनोस को अपने पत्रकार की नौकरी में मदद करने की
अनुमति दी। कैट प्रेस सर्विस और बिल्लियों द्वारा लाए जाने वाले सभी समाचारों की सहायता से टिब्बे जल्द ही सर्वश्रेष्ठ लेखकों के साथ पत्रकार बन जाता है। हालांकि एक महत्वपूर्ण लेख है जिसे टिब्बे ने लिखने की हिम्मत नहीं की, रासायनिक कारखाने के मालिक अमीर मिस्टर एलिमिट पर एक लेख। शहर के सभी सदस्य उसे एक बहुत ही सम्मानित व्यक्ति और एक वास्तविक पशु प्रेमी मानते हैं, लेकिन सभी बिल्लियां जानती हैं कि वह नहीं है जो वह दिखता है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको अंडरकवर किट्टी मूवी के बारे में बताती हूँ। अंडरकवर किट्टी या मिस मी नोस, टच मी नोस 2001 की टच फिल्म है जो एनी एम जी सीमिट द्वारा बच्चों के उपन्यास मीमोंस पर आधारित है। फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कैरिस बेन होटेन लिए गोल्डन ग्लोब्स जीता। निर्देशक वी स्नेट वाली द्वारा लिखित वी स्नेट वाली बी बनी बोस, तमारा बोस, एनी एम जी स्मिट उपन्यास द्वारा निर्गमित बनी बोस अभिनीत कैरिस बेन होटेन थ्रीरो मार्सो सेन सारा वित्रियर छायाकान वाल्थर बेन डेन संडे द्वारा संपादित पीटर अल्डर ली स्टेन संगीत दिया है पीटर अमी अर्च। उत्पादन कंपनियां बास ब्रदर्स फिल्म और टीवी प्रोडक्शन एब्रो टेलीविजन द्वारा वितरित वार्नर ब्रदर्स। रिलीज करने की तिथि 6 दिसंबर 2001 नीदरलैंड, 23 दिसंबर 2011 संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 86 मिनट। देश नीदरलैंड। भाषा डच। बॉक्स ऑफिस 47,72,773। एक रात मीमोंस नाम की एक बिल्ली एक ट्रक द्वारा गिराए गए रासायनिक तरल के एक कैन पर ठोकर खाती है और इसे पीने के बाद एक मानव महिला में बदल जाती है, एक इंसान के रूप में। वह कुत्तों से डरने अन्य बिल्लियों के साथ छत पर घास काटने चूहों को पकड़ने गड़गड़ाहट
करने और कच्ची मछली खाने जैसे अपने बिल्ली के समान लक्षणों को बनाए रखती है। वह जल्द ही टिब्बे नाम के एक पत्रकार से मिलती है जो किले डर्न के काल्पनिक शहर के अखबार के लिए काम करता है। डिब्बे बहुत शर्मीले हैं और इसलिए उन्हें अच्छे लेख लिखना काफ़ी कठिन लगता है। सबसे पहले टिब्बे को विश्राम नहीं होता कि वह मानव रूप में एक बिल्ली है, लेकिन मीनोस को शहर की बिल्लियों से सभी प्रकार की दिलचस्प खबरें पता होती हैं, इसलिए यह उसे परेशान नहीं करता। भोजन और आश्रय के बदले में टिब्बे ने लिखने के लिए दिलचस्प समाचार ढूंढकर विनोस को अपने पत्रकार की नौकरी में मदद करने की अनुमति दी। कैट प्रेस सर्विस और बिल्लियों द्वारा लाए जाने वाले सभी समाचारों की सहायता से टिब्बे जल्द ही सर्वश्रेष्ठ लेखकों के साथ पत्रकार बन जाता है। हालांकि एक महत्वपूर्ण लेख है जिसे टिब्बे ने लिखने की हिम्मत नहीं की, रासायनिक कारखाने के मालिक अमीर मिस्टर एलिमिट पर एक लेख। शहर के सभी सदस्य उसे एक बहुत ही सम्मानित व्यक्ति और एक वास्तविक पशु प्रेमी मानते हैं, लेकिन सभी बिल्लियां जानती हैं कि वह नहीं है जो वह दिखता है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको अंडरकवर किट्टी मूवी के बारे में बताती हूँ। अंडरकवर किट्टी या मिस मीनोस, टच मीनोस 2001 की टच फिल्म है जो एनी एम जी सीमिट द्वारा बच्चों के उपन्यास मीमोंस पर आधारित है। फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कैरिस बेन होटेन लिए गोल्डन ग्लोब्स जीता। निर्देशक वी स्नेट बाली द्वारा लिखित वी स्नेट बाली, बी बनी बोस, तमारा बोस, एनी एम जी स्मिथ उपन्यास द्वारा निर्गमित बनी बोस अभिनीत कैरिस बेन होटेन, थ्रीरो मार्सो सेन
सारा वित्रियर छायाकान वाल्थर बेन डेन संडे द्वारा संपादित पीटर अल्डर ली स्टेन, संगीत दिया है पीटर अमी अर्च, उत्पादन कंपनियां बास ब्रदर्स फिल्म और टीवी प्रोडक्शन, एब्रो टेलीविजन द्वारा वितरित वार्नर ब्रदर्स, रिलीज करने की तिथि 6 दिसंबर 2001 नीदरलैंड, 23 दिसंबर 2011 संयुक्त राज्य अमेरिका, कार्यकारी समय 86 मिनट, देश नीदरलैंड, भाषा डच, बॉक्स ऑफिस 47,72,773, एक रात मीमोंस नाम की एक बिल्ली एक ट्रक द्वारा गिराए गए रासायनिक तरल के एक कैन पर ठोकर खाती है और इसे पीने के बाद एक मानव महिला में बदल जाती है, एक इंसान के रूप में वह कुत्तों से डरने अन्य बिल्लियों के साथ छत पर घास काटने, चूहों को पकड़ने, गड़गड़ाहट करने और कच्ची मछली खाने जैसे अपने बिल्ली के सामान लक्षणों को बनाए रखती है। वह जल्द ही टिब्बे नाम के एक पत्रकार से मिलती है जो किले डर्न के काल्पनिक शहर के अखबार के लिए काम करता है। डिब्बे बहुत शर्मीले हैं और इसलिए उन्हें अच्छे लेख लिखना काफ़ी कठिन लगता है। सबसे पहले टिब्बे को विश्राम नहीं होता कि वह मानव रूप में एक बिल्ली है, लेकिन मीनोस को शहर की बिल्लियों से सभी प्रकार की दिलचस्प खबरें पता होती हैं, इसलिए यह उसे परेशान नहीं करता। भोजन और आश्रय के बदले में टिब्बे ने लिखने के लिए दिलचस्प समाचार ढूंढकर विनोस को अपने पत्रकार की नौकरी में मदद करने की अनुमति दी। कैट प्रेस सर्विस और बिल्लियों द्वारा लाए जाने वाले सभी समाचारों की सहायता से टिब्बे जल्द ही सर्वश्रेष्ठ लेखकों के साथ पत्रकार बन जाता है। हालांकि एक महत्वपूर्ण लेख है जिसे टिब्बे ने लिखने की हिम्मत नहीं की, रासायनिक कारखाने के मालिक अमीर मिस्टर एलिमिट
पर एक लेख शहर के सभी सदस्य उसे एक बहुत ही सम्मानित व्यक्ति और एक वास्तविक पशु प्रेमी मानते हैं, लेकिन सभी बिल्लियां जानती हैं कि वह नहीं है जो वह दिखता है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू माय YouTube चैनल। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको अंडरकवर किट्टी मूवी के बारे में बताती हूँ। अंडरकवर किट्टी या मिस मी नोस, टच मी नोस 2001 की टच फिल्म है, जो एनी एम जी सीमेट द्वारा बच्चों के उपन्यास मीमोंस पर आधारित है। फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कैरिस बेन होटेन लिए गोल्डन ग्लोब्स जीता। निर्देशक वी स्नेट वाली द्वारा लिखित वी स्नेट वाली बी बनी बोस, तमारा बोस, एनी एम जी स्मिथ उपन्यास द्वारा निर्गमित बनी बोस अभिनीत कैरिस बेन होटेन, थ्रीरो मार्सो सेन, सारा वित्रियर, छायाकान वाल्थर बेन डेन संडे द्वारा संपादित पीटर अल्डर ली स्टेन, संगीत दिया है पीटर अमी अर्च, उत्पादन कंपनियां बास ब्रदर्स फिल्म और टीवी प्रोडक्शन, एब्रो टेलीविजन द्वारा वितरित वार्नर ब्रदर्स, रिलीज करने की तिथि 6 दिसंबर 2001 नीदरलैंड, 23 दिसंबर 2011 संयुक्त राज्य अमेरिका, कार्यकारी समय 86 मिनट, देश नीदरलैंड, भाषा डच, बॉक्स ऑफिस 47,72,773। एक रात मीमोंस नाम की एक बिल्ली एक ट्रक द्वारा गिराए गए रासायनिक तरल के एक कैन पर ठोकर खाती है और इसे पीने के बाद एक मानव महिला में बदल जाती है, एक इंसान के रूप में। वह कुत्तों से डरने अन्य बिल्लियों के साथ छत पर घास काटने, चूहों को पकड़ने, गड़गड़ाहट करने और कच्ची मछली खाने जैसे अपने बिल्ली के सामान लक्षणों को बनाए रखती है। वह जल्द ही टिब्बे नाम के एक पत्रकार से मिलती है, जो किले डर्न के काल्पनिक शहर के अखबार के लिए काम करता है। डिब्बे बहुत शर्मीले हैं और इसलिए उन्हें
अच्छे लेख लिखना काफ़ी कठिन लगता है। सबसे पहले टिब्बे को विश्राम नहीं होता कि वह मानव रूप में एक बिल्ली है, लेकिन मीनोस को शहर की बिल्लियों से सभी प्रकार की दिलचस्प खबरें पता होती हैं, इसलिए यह उसे परेशान नहीं करता। भोजन और आश्रय के बदले में टिब्बे ने लिखने के लिए दिलचस्प समाचार ढूंढकर विनोस को अपने पत्रकार की नौकरी में मदद करने की अनुमति दी। कैट प्रेस सर्विस और बिल्लियों द्वारा लाए जाने वाले सभी समाचारों की सहायता से टिब्बे जल्द ही सर्वश्रेष्ठ लेखकों के साथ पत्रकार बन जाता है। हालांकि एक महत्वपूर्ण लेख है जिसे टिब्बे ने लिखने की हिम्मत नहीं की, रासायनिक कारखाने के मालिक अमीर मिस्टर एलिमिट पर एक लेख। शहर के सभी सदस्य उसे एक बहुत ही सम्मानित व्यक्ति और एक वास्तविक पशु प्रेमी मानते हैं, लेकिन सभी बिल्लियां जानती हैं कि वह नहीं है जो वह दिखता है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको अंडरकवर किट्टी मूवी के बारे में बताती हूँ। अंडरकवर किट्टी या मिस मीनोस, टच मीनोस 2001 की टच फिल्म है जो एनी एम जी सीमिट द्वारा बच्चों के उपन्यास मीमोंस पर आधारित है। फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कैरिस बेन होटेन लिए गोल्डन ग्लोब्स जीता। निर्देशक वी स्नेट बाली द्वारा लिखित वी स्नेट बाली, बी बनी बोस, तमारा बोस, एनी एम जी स्मिट उपन्यास द्वारा निर्गमित बनी बॉस अभिनीत कैरिस बेन होटेन, थ्रीरो मार्सो सेन, सारा वित्रियर, छायाकान वाल्थर बेन डेन संडे द्वारा संपादित पीटर अल्डर ली स्टेन, संगीत दिया है पीटर अमी अर्च, उत्पादन कंपनियां बास ब्रदर्स फिल्म और टीवी प्रोडक्शन, एब्रो टेलीविजन द्वारा वितरित वार्नर ब्रदर्स, रिलीज करने की तिथि 6 दिसंबर 2001 नीदरलैंड, 23 दिसंबर 2011 संयुक्त राज्य अमेरिका, कार्यकारी समय 86 मिनट, देश नीदरलैंड, भाषा डच, बॉक्स ऑफिस
47,72,773। एक रात मीमोंस नाम की एक बिल्ली एक ट्रक द्वारा गिराए गए रासायनिक तरल के एक कैन पर ठोकर खाती है और इसे पीने के बाद एक मानव महिला में बदल जाती है। एक इंसान के रूप में वह कुत्तों से डरने अन्य बिल्लियों के साथ छत पर घास काटने चूहों को पकड़ने गड़गड़ाहट करने और कच्ची मछली खाने जैसे अपने बिल्ली के सामान लक्षणों को बनाए रखती है। वह जल्द ही टिब्बे नाम के एक पत्रकार से मिलती है जो किले डर्न के काल्पनिक शहर के अखबार के लिए काम करता है। डिब्बे बहुत शर्मीले हैं और इसलिए उन्हें अच्छे लेख लिखना काफ़ी कठिन लगता है। सबसे पहले डिब्बे को विश्राम नहीं होता कि वह मानव रूप में एक बिल्ली है, लेकिन मीनोस को शहर की बिल्लियों से सभी प्रकार की दिलचस्प खबरें पता होती हैं, इसलिए यह उसे परेशान नहीं करता। भोजन और आश्रय के बदले में टिब्बे ने लिखने के लिए दिलचस्प समाचार ढूंढकर विनोस को अपने पत्रकार की नौकरी में मदद करने की अनुमति दी। कैट प्रेस सर्विस और बिल्लियों द्वारा लाए जाने वाले सभी समाचारों की सहायता से टिब्बे जल्द ही सर्वश्रेष्ठ लेखकों के साथ पत्रकार बन जाता है। हालांकि एक महत्वपूर्ण लेख है जिसे टिब्बे ने लिखने की हिम्मत नहीं की, रासायनिक कारखाने के मालिक अमीर मिस्टर एलिमिट पर एक लेख। शहर के सभी सदस्य उसे एक बहुत ही सम्मानित व्यक्ति और एक वास्तविक पशु प्रेमी मानते हैं, लेकिन सभी बिल्लियां जानती हैं कि वह नहीं है जो वह दिखता है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको अंडरकवर किट्टी मूवी के बारे में बताती हूँ। अंडरकवर किट्टी या
मिस मी नोस टच मी नोस 2001 की टच फिल्म है जो एनी एम जी सीमेंट द्वारा बच्चों के उपन्यास मीमोंस पर आधारित है। फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कैरिस बेन होटेन लिए गोल्डन ग्लोब्स जीता। निर्देशक वी स्नेट वाली द्वारा लिखित वी स्नेट वाली बी बनी बोस तमारा बोस एनी एम जी स्मिथ उपन्यास द्वारा निर्गमित बनी बोस अभिनीत कैरिस बेन होटेन थ्रीरो मार्सो सेन सारा वित्रियर छायाकान वाल्थर बेन डेन संडे द्वारा संपादित पीटर अल्डर ली स्टेन संगीत दिया है पीटर अमी अर्च उत्पादन कंपनियां बास ब्रदर्स फिल्म और टीवी प्रोडक्शन एब्रो टेलीविजन द्वारा वितरित वार्नर ब्रदर्स रिलीज करने की तिथि 6 दिसंबर 2001 नीदरलैंड 23 दिसंबर 2011 संयुक्त राज्य अमेरिका कार्यकारी समय 86 मिनट देश नीदरलैंड भाषा डच बॉक्स ऑफिस 47,72,773 एक रात मीमोंस नाम की एक बिल्ली एक ट्रक द्वारा गिराए गए रासायनिक तरल के एक कैन पर ठोकर खाती है और इसे पीने के बाद एक मानव महिला में बदल जाती है एक इंसान के रूप में। वह कुत्तों से डरने अन्य बिल्लियों के साथ छत पर घास काटने चूहों को पकड़ने गड़गड़ाहट करने और कच्ची मछली खाने जैसे अपने बिल्ली के सामान लक्षणों को बनाए रखती है। वह जल्द ही टिब्बे नाम के एक पत्रकार से मिलती है जो किले डर्न के काल्पनिक शहर के अखबार के लिए काम करता है। डिब्बे बहुत शर्मीले हैं और इसलिए उन्हें अच्छे लेख लिखना काफ़ी कठिन लगता है। सबसे पहले टिब्बे को विश्राम नहीं होता कि वह मानव रूप में एक बिल्ली है, लेकिन मीनोस को शहर की बिल्लियों से सभी प्रकार की दिलचस्प खबरें पता होती हैं, इसलिए यह उसे परेशान नहीं करता।
भोजन और आश्रय के बदले में टिब्बे ने लिखने के लिए दिलचस्प समाचार ढूंढकर विनोस को अपने पत्रकार की नौकरी में मदद करने की अनुमति दी। कैट प्रेस सर्विस और बिल्लियों द्वारा लाए जाने वाले सभी समाचारों की सहायता से टिब्बे जल्द ही सर्वश्रेष्ठ लेखकों के साथ पत्रकार बन जाता है। हालांकि एक महत्वपूर्ण लेख है जिसे टिब्बे ने लिखने की हिम्मत नहीं की, रासायनिक कारखाने के मालिक अमीर मिस्टर एलिमिट पर एक लेख। शहर के सभी सदस्य उसे एक बहुत ही सम्मानित व्यक्ति और एक वास्तविक पशु प्रेमी मानते हैं, लेकिन सभी बिल्लियां जानती हैं कि वह नहीं है जो वह दिखता है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। वेलकम टू माय YouTube चैनल। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको अंडरकवर किट्टी मूवी के बारे में बताती हूँ। अंडरकवर किट्टी या मिस मी नोस, टच मी नोस 2001 की टच फिल्म है जो एनी एम जी सीमिट द्वारा बच्चों के उपन्यास मीमोंस पर आधारित है। फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कैरिस बेन होटेन लिए गोल्डन ग्लोब्स जीता। निर्देशक वी स्नेट वाली द्वारा लिखित वी स्नेट वाली बी बनी बोस, तमारा बोस, एनी एम जी स्मिथ उपन्यास द्वारा निर्गमित बनी बोस अभिनीत कैरिस बेन होटेन, थ्रीरो मार्सो सेन, सारा वित्रियर, छायाकान वाल्थर बेन डेन संडे द्वारा संपादित पीटर अल्डर ली स्टेन, संगीत दिया है पीटर अमी अर्च, उत्पादन कंपनियां बास ब्रदर्स फिल्म और टीवी प्रोडक्शन, एब्रो टेलीविजन द्वारा वितरित वार्नर ब्रदर्स, रिलीज करने की तिथि 6 दिसंबर 2001 नीदरलैंड, 23 दिसंबर 2011 संयुक्त राज्य अमेरिका, कार्यकारी समय 86 मिनट, देश नीदरलैंड, भाषा डच, बॉक्स ऑफिस 47,72,773। एक रात मीमोंस नाम की एक बिल्ली एक ट्रक द्वारा गिराए गए रासायनिक तरल के एक कैन पर ठोकर खाती है और इसे पीने के बाद एक मानव महिला में बदल जाती है। एक
इंसान के रूप में वह कुत्तों से डरने अन्य बिल्लियों के साथ छत पर घास काटने चूहों को पकड़ने गड़गड़ाहट करने और कच्ची मछली खाने जैसे अपने बिल्ली के सामान लक्षणों को बनाए रखती है। वह जल्द ही टिब्बे नाम के एक पत्रकार से मिलती है जो किले डर्न के काल्पनिक शहर के अखबार के लिए काम करता है। डिब्बे बहुत शर्मीले हैं और इसलिए उन्हें अच्छे लेख लिखना काफ़ी कठिन लगता है। सबसे पहले टिब्बे को विश्राम नहीं होता कि वह मानव रूप में एक बिल्ली है, लेकिन मीनोस को शहर की बिल्लियों से सभी प्रकार की दिलचस्प खबरें पता होती हैं, इसलिए यह उसे परेशान नहीं करता। भोजन और आश्रय के बदले में टिब्बे ने लिखने के लिए दिलचस्प समाचार ढूंढकर विनोस को अपने पत्रकार की नौकरी में मदद करने की अनुमति दी। कैट प्रेस सर्विस और बिल्लियों द्वारा लाए जाने वाले सभी समाचारों की सहायता से टिब्बे जल्द ही सर्वश्रेष्ठ लेखकों के साथ पत्रकार बन जाता है। हालांकि एक महत्वपूर्ण लेख है जिसे टिब्बे ने लिखने की हिम्मत नहीं की, रासायनिक कारखाने के मालिक अमीर मिस्टर एलिमिट पर एक लेख। शहर के सभी सदस्य उसे एक बहुत ही सम्मानित व्यक्ति और एक वास्तविक पशु प्रेमी मानते हैं, लेकिन सभी बिल्लियां जानती हैं कि वह नहीं है जो वह दिखता है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको अंडरकवर किट्टी मूवी के बारे में बताती हूँ। अंडरकवर किट्टी या मिस मीनोस, टच मीनोस 2001 की टच फिल्म है जो एनी एम जी सीमिट द्वारा बच्चों के उपन्यास मीमोंस पर आधारित है। फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कैरिस बेन होटेन लिए गोल्डन ग्लोब्स जीता। निर्देशक वी स्नेड बाली,
द्वारा लिखित वी स्नेट वाली बी बनी बोस तमारा बोस एनी एम जी स्मिथ उपन्यास द्वारा निर्गमित बनी बोस अभिनीत कैरिस बेन होटेन थ्रीरो मार्सो सेन सारा वित्रियर छायाकान वाल्थर बेन डेन संडे द्वारा संपादित पीटर अल्डर ली स्टेन संगीत दिया है पीटर अमी अर्च उत्पादन कंपनियां बास ब्रदर्स फिल्म और टीवी प्रोडक्शन एब्रो टेलीविजन द्वारा वितरित वार्नर ब्रदर्स रिलीज करने की तिथि 6 दिसंबर 2001 नीदरलैंड 23 दिसंबर 2011 संयुक्त राज्य अमेरिका कार्यकारी समय 86 मिनट देश नीदरलैंड भाषा डच बॉक्स ऑफिस 47,72,773 एक रात मी मोन्स नाम की एक बिल्ली एक ट्रक द्वारा गिराए गए रासायनिक तरल के एक कैन पर ठोकर खाती है और इसे पीने के बाद एक मानव महिला में बदल जाती है एक इंसान के रूप में वह कुत्तों से डरने अन्य बिल्लियों के साथ छत पर घास काटने चूहों को पकड़ने गड़गड़ाहट करने और कच्ची मछली खाने जैसे अपने बिल्ली के सामान लक्षणों को बनाए रखती है वह जल्द ही टिब्बे नाम के एक पत्रकार से मिलती है जो किले डर्न के काल्पनिक शहर के अखबार के लिए काम करता है डिब्बे बहुत शर्मीले हैं और इसलिए उन्हें अच्छे लेख लिखना काफ़ी कठिन लगता है सबसे पहले टिब्बे को विश्राम नहीं होता कि वह मानव रूप में एक बिल्ली है लेकिन मीनोस को शहर की बिल्लियों से सभी प्रकार की दिलचस्प खबरें पता होती हैं इसलिए यह उसे परेशान नहीं करता भोजन और आश्रय के बदले में टिब्बे ने लिखने के लिए दिलचस्प समाचार ढूंढकर विनोस को अपने पत्रकार की नौकरी में मदद करने की अनुमति दी कैट प्रेस सर्विस और बिल्लियों द्वारा लाए जाने वाले सभी समाचारों की सहायता से टिब्बे जल्द ही सर्वश्रेष्ठ लेखकों के साथ पत्रकार
बन जाता है। हालांकि एक महत्वपूर्ण लेख है जिसे टिब्बे ने लिखने की हिम्मत नहीं की, रासायनिक कारखाने के मालिक अमीर मिस्टर एलिमिट पर एक लेख। शहर के सभी सदस्य उसे एक बहुत ही सम्मानित व्यक्ति और एक वास्तविक पशु प्रेमी मानते हैं, लेकिन सभी बिल्लियां जानती हैं कि वह नहीं है जो वह दिखता है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको अंडरकवर किट्टी मूवी के बारे में बताती हूँ। अंडरकवर किट्टी या मिस मी नोस, टच मी नोस 2001 की टच फिल्म है जो एनी एम जी सीमिट द्वारा बच्चों के उपन्यास मीमोंस पर आधारित है। फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कैरिस बेन होटेन लिए गोल्डन ग्लोब्स जीता। निर्देशक वी स्नेट बाली द्वारा लिखित वी स्नेट बाली, बी बनी बोस, तमारा बोस, एनी एम जी स्मिथ उपन्यास द्वारा निर्गमित बनी बॉस अभिनीत कैरिस बेन होटेन, थ्रीरो मार्सो सेन, सारा वित्रियर, छायाकान वाल्थर बेन डेन संडे द्वारा संपादित पीटर अल्डर ली स्टेन, संगीत दिया है पीटर अमी अर्च, उत्पादन कंपनियां बास ब्रदर्स फिल्म और टीवी प्रोडक्शन, एब्रो टेलीविजन द्वारा वितरित वार्नर ब्रदर्स, रिलीज करने की तिथि 6 दिसंबर 2001 नीदरलैंड, 23 दिसंबर 2011 संयुक्त राज्य अमेरिका, कार्यकारी समय 86 मिनट, देश नीदरलैंड, भाषा डच, बॉक्स ऑफिस 47,72,773। एक रात मीमोंस नाम की एक बिल्ली एक ट्रक द्वारा गिराए गए रासायनिक तरल के एक कैन पर ठोकर खाती है और इसे पीने के बाद एक मानव महिला में बदल जाती है, एक इंसान के रूप में। वह कुत्तों से डरने अन्य बिल्लियों के साथ छत पर घास काटने, चूहों को पकड़ने, गड़गड़ाहट करने और कच्ची मछली खाने जैसे अपने बिल्ली के सामान लक्षणों को बनाए रखती है। वह जल्द ही टिब्बे नाम के
एक पत्रकार से मिलती है जो किले डर्न के काल्पनिक शहर के अखबार के लिए काम करता है। डिब्बे बहुत शर्मीले हैं और इसलिए उन्हें अच्छे लेख लिखना काफ़ी कठिन लगता है। सबसे पहले डिब्बे को विश्राम नहीं होता कि वह मानव रूप में एक बिल्ली है, लेकिन मीनोस को शहर की बिल्लियों से सभी प्रकार की दिलचस्प खबरें पता होती हैं, इसलिए यह उसे परेशान नहीं करता। भोजन और आश्रय के बदले में टिब्बे ने लिखने के लिए दिलचस्प समाचार ढूंढकर विनोस को अपने पत्रकार की नौकरी में मदद करने की अनुमति दी। कैट प्रेस सर्विस और बिल्लियों द्वारा लाए जाने वाले सभी समाचारों की सहायता से टिब्बे जल्द ही सर्वश्रेष्ठ लेखकों के साथ पत्रकार बन जाता है। हालांकि एक महत्वपूर्ण लेख है जिसे टिब्बे ने लिखने की हिम्मत नहीं की, रासायनिक कारखाने के मालिक अमीर मिस्टर एलिमिट पर एक लेख। शहर के सभी सदस्य उसे एक बहुत ही सम्मानित व्यक्ति और एक वास्तविक पशु प्रेमी मानते हैं, लेकिन सभी बिल्लियां जानती हैं कि वह नहीं है जो वह दिखता है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। वेलकम टू माय YouTube चैनल। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको अंडरकवर किट्टी मूवी के बारे में बताती हूँ। अंडरकवर किट्टी या मिस मीनोस, टच मीनोस 2001 की टच फिल्म है जो एनी एम जी सीमेट द्वारा बच्चों के उपन्यास मीमोंस पर आधारित है। फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कैरिस बेन होटेन लिए गोल्डन ग्लोब्स जीता। निर्देशक वी स्नेट वाली द्वारा लिखित वी स्नेट वाली बी बनी बोस, तमारा बोस, एनी एम जी स्मिथ उपन्यास द्वारा निर्गमित बनी बोस अभिनीत कैरिस बेन होटेन, थ्रीरो मार्सो सेन, सारा वित्रियर, छायाकान वाल्थर बेन डेन संडे द्वारा संपादित पीटर अल्डर ली स्टेन, संगीत दिया है पीटर अमी अर्च, उत्पादन कंपनियां बास ब्रदर्स फिल्म और टीवी प्रोडक्शन एब्रो टेलीविजन।
द्वारा वितरित वार्नर ब्रदर्स रिलीज करने की तिथि 6 दिसंबर 2001 नीदरलैंड, 23 दिसंबर 2011 संयुक्त राज्य अमेरिका, कार्यकारी समय 86 मिनट देश नीदरलैंड, भाषा डच, बॉक्स ऑफिस 47,72,773, एक रात मी मोन्स नाम की एक बिल्ली एक ट्रक द्वारा गिराए गए रासायनिक तरल के एक कैन पर ठोकर खाती है और इसे पीने के बाद एक मानव महिला में बदल जाती है। एक इंसान के रूप में वह कुत्तों से डरने अन्य बिल्लियों के साथ छत पर घास काटने चूहों को पकड़ने गड़गड़ाहट करने और कच्ची मछली खाने जैसे अपने बिल्ली के सामान लक्षणों को बनाए रखती है। वह जल्द ही टिब्बे नाम के एक पत्रकार से मिलती है जो किले डर्न के काल्पनिक शहर के अखबार के लिए काम करता है। डिब्बे बहुत शर्मीले हैं और इसलिए उन्हें अच्छे लेख लिखना काफ़ी कठिन लगता है। सबसे पहले टिब्बे को विश्राम नहीं होता कि वह मानव रूप में एक बिल्ली है, लेकिन मीनोस को शहर की बिल्लियों से सभी प्रकार की दिलचस्प खबरें पता होती हैं, इसलिए यह उसे परेशान नहीं करता। भोजन और आश्रय के बदले में टिब्बे ने लिखने के लिए दिलचस्प समाचार ढूंढकर विनोस को अपने पत्रकार की नौकरी में मदद करने की अनुमति दी। कैट प्रेस सर्विस और बिल्लियों द्वारा लाए जाने वाले सभी समाचारों की सहायता से टिब्बे जल्द ही सर्वश्रेष्ठ लेखकों के साथ पत्रकार बन जाता है। हालांकि एक महत्वपूर्ण लेख है जिसे टिब्बे ने लिखने की हिम्मत नहीं की, रासायनिक कारखाने के मालिक अमीर मिस्टर एलिमिट पर एक लेख। शहर के सभी सदस्य उसे एक बहुत ही सम्मानित व्यक्ति और एक वास्तविक पशु प्रेमी मानते हैं, लेकिन सभी बिल्लियां जानती हैं कि वह नहीं है जो वह दिखता है।
आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।